वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज ट्रेडिंग में हम अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में पल रहा था तब उनके पिता अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में समझा रहे थे। तो जब तक उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में ये समझाया कि अंदर कैसे जाते हैं, तब तक सुभद्रा जगते रहे। और जब वो ये बता रहे थे कि बाहर कैसे निकला जाता है, उस वक्त माँ को नींद आ गई, सुभद्रा को नींद आ गई। और इसकी वजह से बाद में महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया और जाके लड़ा बड़ी बहादुरी से, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाया, बाहर नहीं निकल पाया और वहीं घेर के उसने आखिरी सांस ली। तो ट्रेडर्स अधिकतर अभिमन्यु जैसे ही होते हैं। वो लोग एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट नहीं ले पाते। और आज के ज़माने में अर्जुन मतलब राय देने वालों की कोई कमी नहीं है। तरह तरह से जगह जगह से कॉल्स आते रहते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स। और हम भी ये सोच के लपक लेते हैं कि चलो फ्री में कोई एडवाइस मिली, फटाफट लेके इससे पैसा बना लेंगे। और ये सबसे बड़ी गलती है। कोई भी एडवाइस, कोई भी ट्रायल फ्री की नहीं होती। उसकी कीमत आप पेड सर्विसेज से भी ज़्यादा देते हैं। तो किसी भी ट्रेड में एंट्री करना सीख लिया है लेकिन एग्जिट करना भूल गए हैं। और इस ज़माने में अभिमन्यु मतलब ट्रेडर तो सो नहीं रहा है, अर्जुन सो रहा है। अर्जुन टिप दे के सो जाता है और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो आपके लिए ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर की तरह काम करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जिट सीखना, बाहर निकलते कैसे हैं ये सीखना। और बाहर निकलने का सबसे सही तरीका है टोटल नॉलेज। आप जितना सीखते हैं चीज़ों के बारे में, अगर आपको ये पता है कि कारण क्या था अंदर जाने का, एंट्री करने का किसी भी ट्रेड में, तो एग्जिट करना आपको तत्काल समझ में आ जाएगा। अगर आपको कारण ही नहीं पता एंट्री का कि आप किसी ट्रेड में एंटर क्यों हुए थे, तो एग्जिट के बारे में आपका कुछ तय करना तो नामुमकिन हो जाता है। तो सीखने के बारे में पीछे मत हटिए। आपको एग्जिट करना अगर आ गया तो आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्जिट करना नहीं आता तो हर एक एंट्री में परेशानी है। हम कई बार हाई पे बाय और लो पे सेल देते हैं। और ऐसा भी मूवमेंट आता है कि हाई ब्रेक किया, टच किया, थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से पलट गया। तब आपको बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, उस छोटे से प्रॉफिट पे या बराबरी पे या छोटे से लॉस पे बाहर निकल जाना है। कई बार ऐसा होगा कि आपने एग्जिट किया और फिर से चीजें ऊपर चली गई और फिर वो भागने लगा स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं, आधा परसेंट में अगर आप बाहर निकले हैं तो किसी भी रैली में, या तो रैली है या डिप है किसी भी डायरेक्शन में, वहाँ 1 या 2% निकाला जा सकता है। छोटे से लॉस को हम कभी भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको बढ़ने दिया तो फिर हम 4 ट्रेड तक भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे और तब तक नया लॉस हो जाएगा। तो आप एग्जिट करना सीख लीजिए। अपर सर्किट, लोअर सर्किट होगा, वहाँ पे भी अगर एग्जिट करना आपको आता है तो आप कहीं पे भी कूद के जा सकते हैं, किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और कितना भी पैसा कमा सकते हैं। तो अपने रिएक्शन टाइम को मिनिमम कीजिए और एंट्री कीजिए, लेकिन एग्जिट की तैयारी पहले। और सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कोई स्टॉप लॉस हिट होता है, इस पर कोई स्पेशल वीडियो हमने बनाया हुआ है, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको और कुछ समझ में नहीं आया तो आप हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग और लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के बैठ जाइए। आप 10 बजे से बैठे हैं 11:30 बजे तक, तब तक अगर हाई ब्रेक होता है और ट्रेड होता है तो आपका लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा। तब तक अगर कोई ट्रेड नहीं होता है तो आप F3 से आर्डर बुक देखिए, शिफ्ट F3 से कैंसिल ऑल कीजिए और स्क्रीन को छोड़ दीजिए। दोबारा आप वापस आते हैं 1:30 बजे के बाद, आफ्टर 1:30 इन स्टॉक मार्केट।
140 150 पे आप फिर से पोजीशन बनाते हैं, हाई के ऊपर बाइंग, लो के नीचे सेलिंग। वहाँ से लेके 3 बजे तक अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो आपके सुबह जो आधा परसेंट का स्टॉप लॉस गया है उसके बदले उसकी रिकवरी और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तत्काल किसी भी तरह के स्टॉप लॉस पे रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन ही नुकसान का कारण है और कोई नुकसान नहीं है। तो आप अपने ट्रेड को संभालना सीखिए और एंट्री के साथ एग्जिट भी सीखिए, अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स को पहचाने और उसका सॉल्यूशन ढूंढें। थैंक यू वेरी मच, बाय।